हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ मौलिकार पंचाल फ्रॉम पायनियर स्कूल ऑफ साइंस गोलापुर पाटन। आज के वीडियो लेक्चर 8 में हमें वेन डायग्राम्स के बारे में समझना है। जो सेट के बीच जो ऑपरेशन करते हैं इसके लिए जो डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं उसी डायग्राम को हम वेन डायग्राम करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन ने इसके बारे में बताया, इसलिए इसका नाम वेन डायग्राम है। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि वेन डायग्राम क्या है और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए सेट 1, 2, 3, 4 और 5 इसमें एलिमेंट है। बी सेट की बात करें तो बी सेट में 4, 5, 6, 7 और 8। हमें आगे पता है इसके बारे में, वीडियो लेक्चर में हमने सिखा है कि कौन सा सेट यूनिवर्सल सेट होता है। हमने एग्जांपल के लिए यूनिवर्सल सेट लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अभी इस एग्जांपल में जो भी सेट है, ए सेट है, बी सेट है और ये यूनिवर्सल सेट है, इन तीनों को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं समझते हैं। जनरली यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल के रेक्टेंगल में ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो रेक्टेंगल है यूनिवर्सल सेट के लिए जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। और यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट है यानी कि ए और बी दोनों को जनरली सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने इन दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि मुझे मालूम है कि इन दोनों सेट में 4 और 5 कॉमन मेंबर्स, इसलिए हमने इन दोनों सर्कल को क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट करवा दिया। अब पहले कौन से मेंबर लिखने हैं, जो भी मेंबर दोनों में आते हैं यानी कि इंटरसेक्ट करने कॉमन मेंबर जो होते हैं, देख लीजिए ये 4 और 5 दोनों में है। तो ये जो पार्ट है कॉमन पार्ट है, तो यहां दो मेंबर लिख सकते हैं 4 5। अब हमें ए में जो मेंबर है वो लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे, 4 और 5 के अलावा जो भी बचे 1, 2, 3 वो लिखेंगे 1, 2, 3। अब ए के सारे मेंबर जो है वो हमने रिप्रेजेंट कर दिए। अब बी के मेंबर लिखने हैं, बी में कौन से मेंबर थे, 4 5 वो तो लिख दिए। अब 6, 7 और 8 6, 7 और 8 ऐसे, और बाकी जो बचे हैं मेंबर है वो यूनिवर्सल सेट के होंगे। तो 1 है, 2 भी इंक्लूड है, 3 भी है, 4, 5, 6, 7, 8 सारे मेंबर इंक्लूड, लेकिन 9 और 10 बचे हुए वो मेंबर कहीं भी रेक्टेंगल में लिख सकते हैं। तो ये वन टाइप ऑफ एग्जांपल मैंने लिया है कि दोनों सेट में कॉमन मेंबर हो, ऐसा एग्जांपल लिया। तो उस ऐसे एग्जांपल को कैसे वेन डायग्राम के जरिए ड्रो कर सकते हैं वैसा हम सकते हैं। एक और एग्जांपल समझते हैं जिस एग्जांपल में जो कॉमन मेंबर है वो कॉमन मेंबर ना हो, एक ऐसा एग्जांपल। लेकिन सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं। अब वेन डायग्राम में दूसरा और एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2। सेट ए में 1, 2, 3 मेंबर लिए, सेट बी में 4, 5, 6 और 7 मेंबर लिया, और यूनिवर्सल सेट यू में 1, 2, 3 अप टू 10 वही यूनिवर्सल सेट है। लेकिन इस बार वो डिफरेंस क्या है, ए और बी दोनों में कोई कॉमन मेंबर नहीं है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करेंगे, कैसे ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगल के जरिए। उसके जो सबसेट है ए और बी कैसे डिनोट करेंगे, सर्कल के जरिए। लेकिन
हमें पता है कि उन दोनों सेट में कोई कॉमन मेंबर नहीं है, इसलिए हम इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और जो दो सेट के बीच कोई भी मेंबर कॉमन ना हो उसको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ये ए और बी, वन टू और थ्री, तो ए के जो सारे मेंबर थे वो हमने फिलअप कर दिए। अब बी के सारे मेंबर लिखते हैं, फोर फाइव सिक्स और सेवन। अब जो यूनिवर्सल सेट में जो बचे हुए मेंबर है वो सारे मेंबर रेक्टेंगल में फिलअप करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो वो लिख दिए। अब एट नाइन और टेन लिखने हैं, तो कहीं भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये दूसरा एग्जांपल मैंने ऐसा लिया कि दोनों सेट के बीच कोई भी कॉमन मेंबर ना हो, ठीक है। तो उसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं, जैसे थर्ड एग्जांपल है जिसमें मैंने ए सेट में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लिखा और बी सेट में टू फोर और सिक्स लिखा, और यूनिवर्सल सेट सेम ही रखते हैं, वन टू थ्री अप टू टेन। देखिए डियर फ्रेंड्स, पहले वाले में क्या था, दो मेंबर कॉमन लिए थे। दूसरे वाले में क्या किया मैंने, कोई भी कॉमन मेंबर नहीं गया। और ये थर्ड एग्जांपल में मैंने ये जो टू फोर सिक्स यानी कि बी के सारे जो एलिमेंट है वो ए में भी है, दैट मीन्स बी ए का सबसेट है। तो ये थर्ड कुछ और डिफरेंट एग्जांपल है। तो इस एग्जांपल को कैसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, पहले यूनिवर्सल सेट का रिप्रेजेंट रेक्टेंगल, ये है यूनिवर्सल। अब हमें पता है कि बी के सारे जो मेंबर है वो ए में, दैट मींस बी सेट रिप्रेजेंट क्या सर्कल से, लेकिन ये पूरा सर्कल ए में ही इंक्लूड होगा, दैट मींस ए को जो रिप्रेजेंट करेंगे वो बड़ा सर्कल करेंगे, ठीक है। अब फिलअप करना है बी में जो मेंबर है टू फोर सिक्स, टू फोर और सिक्स, लेकिन अब ए में फिलअप करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, लेकिन जो ये ए सेट है उसमें ये बी भी इंक्लूड है, दैट मींस टू फोर सिक्स तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर वन टू थ्री लिखेंगे, वन थ्री और फाइव ही लिखेंगे। तो अब ए के जो सारे मेंबर है वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स वो इंक्लूड हो गए, ठीक है। तो ये थर्ड एग्जाम्पल में आपको समझ में आया कि अगर एक सेट दूसरे का सबसेट हो तो कैसे उसको डिनोट कर सकते हैं। तो एक सर्कल बड़ा करेंगे और उसमें उसका जो सबसेट है वो उसमें सर्कल से डिनोट करेंगे, ठीक है। और जो बचे हुए मेंबर हैं वो सेवन एट नाइन और टेन वो रेक्टेंगल में कहीं भी फिलअप कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये पता चल गया है कि कैसे दो सेट हो तो दो सेट एक सबसेट हो सकता है और वो डिसजॉइंट भी हो सकता है और इंटरसेक्ट यानी कि कॉमन मेंबर वाला भी सेट हो सकता है। तो कैसे उसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आगे वेन डायग्राम में जो थ्री सेट होते हैं ए बी और सी, तो उसको कैसे डिनोट करते हैं वो भी समझेंगे, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल लिखा है तीन सेट का, ए में है वन टू थ्री फोर फाइव, बी में टू फोर सिक्स एट और सी में वन टू थ्री फाइव सेवन और यूनिवर्सल सेट वन टू थ्री अप टू टेन, ठीक है। तो ये तीन सेट का वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले हमें सेट के जो एलिमेंट है उसके बारे में पता होना चाहिए, जो तीनों सेट है उसमें कोई कॉमन मेंबर है। तो देख लीजिए यहां भी टू और यहां भी, तो तीनों में कॉमन मेंबर है, दैट मींस ए बी और सी
को सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन तीनों सर्कल इंटरसेक्ट होना चाहिए क्योंकि कॉमन मेंबर है तीनों। दैट मींस तो सबसे पहले रेक्टेंगल से यूनिवर्सल कोड ड्रॉ करें। अब तीनों सेट के लिए सर्कल ड्रॉ करना है, लेकिन कैसे ड्रॉ करेंगे? तीनों सर्कल इंटरसेक्ट होने चाहिए। ये तीनों सर्कल क्या हो रहे हैं? इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ये ए बी और सी से सबसे पहले जो इंटरसेक्ट वाला पार्ट है, यानी कि तीनों को इंटरसेक्ट वो ही फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले ये टू जो है वो तीनों में, तो ये सबसे तीनों में इंटरसेक्ट वाला पार्ट है, इसमें इंटरसेक्ट टू फिलअप करते हैं। इसके बाद दो सेट में जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो मेंबर इंक्लूड करेंगे। इन दोनों सेट में देखिए टू, इसके बाद फोर, तो टू फोर इन दोनों सेट में इंटरसेक्ट, यानी कि कॉमन मेंबर है। ए और बी का इंटरसेक्ट यानी कि कॉमन मेंबर जो है वो टू और फोर है। तो टू तो फिलअप कर दिया, अब कौन से मेंबर बचा है ए और बी में? फोर। अब बी और सी में देखिए, तो बी और सी में टू है, इसके अलावा और कोई भी मेंबर सेम नहीं है, यानी कि कॉमन मेंबर नहीं है। दैट मींस यहां कोई भी मेंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं। ए और सी में देखिए, तो ए और सी में कॉमन मेंबर 1 2 और 3 और 5, 1 2 3 5। 2 तो फिलअप कर दिया है, 1 आ गया, तो यहां पर 1 लिखेंगे, 3 और 5। ठीक है, तो ये पता चला आपको कैसे ए और सी में जो मेंबर थे वो लिखे, बी और सी में टू के अलावा कोई भी मेंबर नहीं था, ए और बी में टू के अलावा फोर था। इसलिए अब कॉमन वाले फिलअप कर दिए, अब बाकी जो बचे वो फिलअप करेंगे। ए में 1 2 3 4 5 सब मेंबर मैंने ए में टू थे वो फिलअप हो गए, इसलिए ए में अब और कोई मेंबर लिखने की जरूरत नहीं। बी में 2 4 6 8 टू और फोर तो लिख दिए, लेकिन 6 8 बाकी, तो यहाँ 6 और 8। अब सी की बात करें तो 1 2 3 5 1 2 3 5 तो लिख दिए, अब कौन सा मेंबर बाकी है? 7, तो 7 यहाँ लिखे। इसके अलावा जो भी बचे हैं यूनिवर्सल में वो रेक्टेंगल में फिलअप कर देंगे। तो 1 2 3 5 4 5 6 7 8 तक तो लिखे, 9 और 10 बाकी है, तो 9 इधर लिखेंगे और 10। ठीक है, तो ये तीन सेट वाला कैसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं वो समझ लिया। इसके लिए सबसे पहले क्या देखना है, मैंने बोला कि तीन सेट में जो भी कॉमन मेंबर है वो सबसे पहले फिलअप करें, इसके बाद दो सेट में जो कॉमन मेंबर है वो फिलअप करेंगे, और इसके बाद जो बाकी रहे हुए सारे मेंबर उसमें फिलअप कर देंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब डियर फ्रेंड्स, ऑपरेशन ऑन सेट सीखते हैं, उसमें यूनियन ऑफ सेट्स एक ऑपरेशन है, यूनियन सेट का यूनियन, तो उसकी डेफिनेशन क्या है? तो यूनियन की डेफिनेशन है, अगर दो सेट दिए हो और दोनों सेट में जो भी मेंबर हो वो दोनों सेट के मेंबर को मिलाकर जो एक सेट बनता है उसको यूनियन कहते हैं, लेकिन उसमें दो बार आने वाले मेंबर एक ही बार लिखना है, दोनों बार नहीं लिखना है। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, जैसे कि ए सेट है, उसमें मेंबर है 1 2 3 और 5, बी में है 4 5 6 7 9। ठीक, तो मैंने बोला यूनियन क्या है, और यूनियन का सिंबल यू टाइप, ये है यूनियन का सिंबल। ए और बी दोनों सेट का हमें यूनियन करना है, तो क्या करेंगे? ए यूनियन बी फाइंड करना है, इसको यूनियन बोलते हैं। ए यूनियन बी, कौन से मेंबर निकलेंगे? दोनों को मिलाकर जो भी सारे मेंबर बनते वो लिखेंगे 1 2 3 4 5। फिर से बी में लिखते हैं 4 5, लेकिन मैंने बोला था, क्या बोला था?
कि दो बार मेंबर नहीं लिखने, यानी कि फॉर सेकंड टाइम नहीं लिखना है, फाइव की सेकंड टाइम नहीं लिखना है, दैट मींस 1 2 3 4 5 6 7 ये है यूनियन। यूनियन का मीनिंग पता चला। यूनियन कैसे फाइंड करते हैं, दोनों सेट के जो सारे मेंबर हैं वो मिलाकर लिखने हैं, लेकिन मेंबर रिपीट नहीं होने चाहिए, यानी कि दोबारा नहीं लिखना, सिर्फ सिंगल टाइम ही लिखते हैं यूनियन में, ठीक है। अब यूनियन को अगर उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये यूनियन भी हमें लिखना है उसका सेट बिल्डर फॉर्म तो कैसे लिखेंगे, x such that x belongs to a or x belongs to b। ये स्टूडेंट मिस्टेक मत करना, यहाँ एन नहीं होता और होता है, जो ये सेट किया है, सेट यूनियन जो बना है वो यूनियन में जो मेंबर है वो मेंबर ए में है या तो बी में है, यानी कि और आएगा जो 1 2 3 4 5 है वो मेंबर बी ए में है और बी में है, एन नहीं होगा, दोनों में नहीं है, ये सारे मिलाकर नंबर लिखे, ठीक है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म भी याद रखना है, यूनियन का सिंबल है, यूनियन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक। अब इंटरसेक्शन समझते हैं, इंटरसेक्शन क्या है, दो सेट का इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, दोनों सेट में जो कॉमन मेंबर है वो लिखते हैं, कॉमन मेंबर लिखते हैं, एग्जांपल लिखते हैं ए, ए ये जो सेट है वो ही लिखते हैं, ए 1 2 3 4 5 और बी में था 4 5 6 7 8। मैंने बोला इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए कौन से मेंबर लिखने हैं, जो भी कॉमन मेंबर हो, तो दोनों कॉमन में 4 5, इसमें ए में भी 4 5 इंक्लूड है और बी में भी 4 5 इंक्लूड है, दैट मींस ए इंटरसेक्शन का सिंबल बिल्कुल उसका उल्टा है यू का, तो ये है इंटरसेक्शन का सिंबल, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 4 5। बहुत इजी है ये टॉपिक, यूनियन में क्या करना है, सब मेंबर लिखने, इंटरसेक्शन में क्या करना है, सिर्फ कॉमन मेंबर लिखने, ठीक है। अब इंटरसेक्शन का सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं, x such that x belongs to a and x belongs to b, देखा यूनियन में क्या आया बीच में और इंटरसेक्शन में क्या आएगा बीच में, एंड आएगा, एंड का मीनिंग है कि एक्स यानी कि ये 4 और 5 जो लिखे वो ए में भी होने चाहिए और बी में भी होने चाहिए, यानी कि एंड आएगा, ठीक है। तो आपको डियर फ्रेंड्स यूनियन क्या है और इंटरसेक्शन क्या है, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है वो पता चल गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम्पल 12 समझते हैं। एग्जाम्पल 12 है, लेट ए सेट है जिसमें मेंबर है 2 4 6 8, बी सेट है जिसमें मेंबर है 6 8 10 12, फाइंड ए यूनियन। अब यूनियन सीखा, यूनियन क्या कहता है, यूनियन फाइंड करने के लिए जो दोनों सेट दिए हैं उसके सारे मेंबर लिखने हैं, लेकिन सिंगल लाइन में लिखना, फाइंड ए यूनियन बी, दैट मींस ए यूनियन बी इक्वल टू 2 4 6 8 6, फिर से नहीं लिखना है, ओनली सिंगल टाइम लिखना है, इसके बाद 10। बहुत ही सिंपल ये टॉपिक है। एग्जांपल 13, ए सेट ए ई आई ओ यू, बी सेट में है ए आई ओ यू आई ए आई यू, सो दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए, हमें प्रूव करना है ए यूनियन बी इक्वल टू ए, That means, पहले तो यूनियन फाइंड करना है ना, तो ए यूनियन बी फाइंड करते हैं, यूनियन में कौन से मेंबर लिखेंगे, दोनों में जो हो वो सारे मिलाकर, तो ए ई आई ओ यू, बी में जो ए लेकिन फिर से नहीं लिखेंगे, आई भी इंक्लूड है यू भी है, यानी कि ए आंसर है। तो देखिए ए ई आई ओ यू ये कौन सा सेट, ए ही तो है, तो इसकी जगह हम ए लिख सकते हैं, दैट मींस जो हमें प्रूफ देना था यानी प्रूफ करना था ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्रूफ हो चुका है। अब आगे एग्जांपल 14 में एक्स सेट दिया है,
एक्स में है मेंबर राम, गीता, अकबर और वाई सेट में है गीता, डेविड और अशोक। यूनियन फाइंड करना है, फाइंड एक्स यूनियन वाई। एक्स यूनियन वाई इक्वल टू, सारे मेंबर लिखेंगे राम, गीता, अकबर, इसके अलावा गीता लेकिन गीता तो पहले लिखा हुआ दोबारा नहीं लिखेंगे, डेविड, अशोक, ठीक है। तो ये तीनों एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे एग्जाम्पल 15, ए सेट में मेंबर है 2, 4, 6, 8, जो 12 में था वही है, बी 6, 8, 10 का ए इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। हमें पता है इंटरसेक्शन में कौन से मेंबर इंक्लूड करते हैं, कौन से एलिमेंट इंक्लूड कर सकते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो ए और बी दोनों में कॉमन मेंबर कौन से है, 6, 8, यहाँ भी 6, 8 है, दैट मींस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू इंक्लूड रहे 6, 8। ओके, बहुत इजी एग्जांपल था ये। एग्जांपल 16, एक्स है वो जो पहले था 13 में वही है राम, गीता, अकबर और वाई सेट में गीता, डेविड, अशोक। अब हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई दोनों में जो कॉमन है वही कितने हैं, कौन से कॉमन मेंबर, ये एक ही है गीता, दैट मींस ओनली इंटरसेक्शन में वन एलिमेंट ही आएगा, ठीक है। एग्जांपल 17, लेट ए इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू 10 एंड बी इक्वल टू 2, 3, 5, 7 देन सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी। ओके, पहले हमें इंटरसेक्शन को फाइंड करना पड़ेगा तभी तो हम जो प्रूफ करना है वो कर सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में कौन से मेंबर इंक्लूड करेंगे जो कॉमन हो, तो टू दोनों में है तो टू लेते हैं, 3, 5 और 7। देखिए फ्रेंड्स ये क्या है, इंटरसेक्शन के लिए कौन सा सेट मिला है, 2, 3, 5, 7 वाला वही तो है बी, दैट मींस इस इनकी जगह हम बी ले सकते हैं, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी, जो हम प्रूव करना था वो हो गया, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स आज के वीडियो लेक्चर में हमने वेन डायग्राम सीखा और ऑपरेशन में क्या सीखा, यूनियन और इंटरसेक्शन सीखा, इसके अलावा भी डिफरेंस भी फाइंड करना है वो आगे वीडियो लेक्चर में सीखे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। ओके।